देश के दुश्मनों हो जाओ सावधान, छुपके हुए हमलों का घर में घुस कर देंगे जवाब। दुश्मनों पर बेरहमी से होगा वार, क्योंकि इससे छुपना है मुश्किल और बचना नामुमकिन। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जो बनेगा हिंदुस्तान का पहरेदार। यह है आसमान का माहिर शिकारी, नाम है इसका अपाचे, जो 3 सितंबर को भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पठानकोट एयरबेस में इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को तैनात करेंगे। पठानकोट एयरबेस पाकिस्तानी सीमा के सबसे करीब है। भारत और पाक में पनपे विवाद के बीच अपाचे को पठानकोट एयरबेस पर तैनात करना रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा विभिन्न मारक क्षमताओं से लैस अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर से चीन की सीमाओं को भी कवर किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसे तैयार किया है। इसे अटैकिंग के मामले में सबसे मारक माना जाता है। खतरों के ऐसे खिलाड़ी के भारतीय सेना में शामिल होने से हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, तो वहीं दुश्मन अंदर तक हिल जाएगा। भारत ने बोइंग से 22 AH-64 अपाचे खरीदने का करार किया है। इसी साल मई में कंपनी ने देश को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपा था, और अब बारी इसकी आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल होने की है, जिसके बाद देश अपने दुश्मनों को तहस नहस कर डालेगा। अमेरिकी कंपनी का AH-64 अपाचे दुनिया में मल्टी रोल युद्धक हेलीकॉप्टर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिकी सेना इसे लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इसे इस्तेमाल करने वाले दूसरे देशों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस कंपनी ने दुनिया भर में 2100 अपाचे हेलीकॉप्टर की सप्लाई की है। अमेरिकी सेना ने 1984 में इसे अपने जंगी बेड़े में शामिल किया था। अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर है, जिसकी गर्जना में दुश्मनों की चीखें दब जाती हैं। दुश्मन चाहे जमीन पर हो या आसमान पर, निशाने पर चाहे हेलीकॉप्टर हो, UAV या जेट, वार खाली नहीं जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर न केवल 256 गतिशील निशानों पर नजर रख सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कहर बनकर टूट सकता है। 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 575 किलोमीटर की रेंज, यानी तबाही का दूसरा नाम है अपाचे। 2 सीट वाले AH-64 अपाचे में स्ट्रिंगर मिसाइलें, 30 mm की 2 मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम लगा है। इतना ही नहीं, इसमें जमीनी टारगेट भेजने वाले हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट भी हैं, जो दुश्मन के इलाके में 150 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। अपाचे में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T-700 टर्बो शाफ्ट इंजन है। इसके कारण हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी उड़ान भर सकता है। खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान के साथ हुए जंग में दुश्मनों का दिल दहला चुका अमेरिका का लड़ाकू जाबाज फिलहाल अमेरिका और इजरायली वायुसेना का हिस्सा है, और अब ये भारत के आसमान की निगहबानी करेगा। इसके साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर 3 दशकों से इस्तेमाल हो रहे रूस निर्मित MI-35 की जगह ले लेगा, जिसके बाद ना तो चीन की चलेगी और ना पाकिस्तान हम तक पहुंचेगा।